गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो इन आवर टुडेज साइंस क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेफ्टी फ्रॉम फायर। डोमेस्टिक फायर्स एंड किचन इंजरीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू केयरलेसनेस। Most fires occur while working in the kitchen or while using electric gadgets. तो हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हम किचन में होते हैं या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग अलर्ट नहीं रहते हैं, जबकि हमें उस टाइम पे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और क्योंकि हम लोग केयरलेसली वर्क करते हैं तो क्या होता है, कभी हाथ जल जाता है काम करते टाइम पे, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम उतना ज़्यादा अलर्ट नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। इनफैक्ट हम ज़्यादा केयरलेस होते हैं। टू प्रिवेंट दिस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड। द फर्स्ट वन इज़ यूज़ प्रॉपर क्लोथ्स डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट्स एंड पैंस इंस्टेड ऑफ योर ओन क्लोथ्स। जल्दबाजी में क्या होता है, आपने बहुत टाइम, मम्मी लोग जब घर में काम कर रही होती हैं या फिर आप खुद कभी काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में अगर कोई बर्तन उठाना है तो क्या अपना ही जो हम कपड़े पहने होते हैं या किसी दुपट्टे वगैरह से या साड़ी के से उठा करके उसको साइड में कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें खुद एक कॉटन क्लोथ का यूज़ किचन में करना चाहिए। कोई भी गर्म बर्तन उठाना हो, कॉटन क्लोथ का यूज़ करें उस बर्तन को उठाने के लिए। सेकेंड वन इज़ गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हम यूज़ करते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है जो कि वो वारंटी पीरियड में होते हैं, है ना। उसके बाद में उसमें थोड़े थोड़े डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट हम उन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। हमें क्या चाहिए कि हम अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स जितने भी यूज़ कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करवाते रहें, ताकि अगर उनमें कोई फॉल्ट है तो वो सही करवाया जा सके और हम एक्सीडेंट से बच सकें। इफ़ अ क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर, गेट इट रीप्लेस्ड। आयरन यूज़ करते हैं हम, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। सो सपोज़ अगर इनके वायर्स में कहीं पे भी हमको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, उस प्लास्टिक में अगर कहीं पे भी क्रैक आ गया है और अंदर से वायर बाहर आ रहा है कॉपर वायर, तो हमें चाहिए कि हम इसको तुरंत रीप्लेस करवा दें। ऐसे ही हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है, अगर उसमें भी प्लास्टिक कवरिंग में कहीं पे भी कोई क्रैक आ गया है तो हमें उसे तुरंत रिप्लेस करवाना चाहिए। वाई? बिकॉज कभी भी अगर ये तार टच होते हैं तो इनसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर कभी अगर हमारी फिंगर टच कर जाती है ना, बाई चांस हमारी बॉडी टच में आ जाती है तो हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें दिख रहा है कि कहीं से भी ये प्लास्टिक कवरिंग ब्रेक हो गई है, अंदर से कॉपर वायर बाहर आ रहा है, तो हम तुरंत उस वायर को चेंज करवा दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर। इफ़ इट गेट्स नॉक्ड ओवर द ऑयल कैन स्पिल्ड रिजल्टिंग इन अ फायर। तो यहाँ पे केरोसिन स्टोव की बात हो रही है, उसे कभी भी ज़मीन पे रख करके खाना नहीं बनाना चाहिए। आप उसे किसी ऊंची जगह पे रखें ताकि कभी भी हम जब जल्दबाजी में किचन में काम कर रहे हैं तो वो हमारे पैरों से लग के गिरे नहीं, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो उसमें से सारा तेल फैल जाएगा और उस तेल से आग लग सकती है किचन में, है ना, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, मे बी हम खुद भी जल सकते हैं। तो ज़रूरी है हम उसे किसी ऊंची जगह पे रखें ताकि किसी को भी कोई हार्म ना पहुंचे और दूसरा छोटे बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रहे ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज़ इफ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, स्मूथर द फायर बाय कवरिंग द पैन। थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल, नेवर थ्रो वाटर, इट विल स्प्लिटर द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर। तो कभी कभी क्या होता है, तेल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो बर्तन के अंदर आग लग जाती है तेल में, है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि मम्मी जो है कोई मसाला भून रही है, कुछ कर रही है, तो वो तेल में अंदर पैन के अंदर आग लग जाती है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए, टू मेथड्स हैं उस आग को बुझाने के। या तो आप पैन को कवर कर दें, उससे क्या होगा कि एयर सप्लाई कट हो जाएगी, फायर अपने आप बुझ जाएगी। दूसरा क्या तरीका है कि आप
उसमें बेकिंग सोडा डाल दें, बट बेकिंग सोडा निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेस्ट मेथड यही है कि आप उसे ढक दें ताकि एयर सप्लाई कट हो जाए और फायर बुझ जाए। कभी भी अगर पैन के अंदर आग लग जाती है तो हमें उस तेल में पानी डाल के आग नहीं बुझाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो तेल की छींटें उड़ेंगी, है ना, और जब तेल की छींटें उड़ेंगी तो वो आग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ नेवर वियर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, बिकॉज दे कैच फायर वेरी इजीली। कॉटन क्लोथ्स आर सेफर टू वियर। कभी भी हम आग के पास काम कर रहे हैं, क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं या फिर किचन में काम कर रहे हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सिंथेटिक क्लोथ्स में आग लगती है तो वो हमारी स्किन से चिपक जाते हैं, है ना, और उससे ज़्यादा एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। बेटर ऑप्शन क्या है कि आप कॉटन क्लोथ पहनें, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में ईजिली आग नहीं लगती है और हम सेफ रहते हैं। सो हियर फ्यू मेथड्स आर गिवन फॉर प्रिवेंटिंग फायर, कि सपोज़ अगर आग लग जाती है तो हम आग को कैसे बुझा सकते हैं या अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ टू कीप बर्निंग, फायर नीड्स एयर। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट्स ऑफ द एयर सप्लाई बाई कवरिंग द सब्सटेंस ऑन फायर। आग जलते रहने के लिए एयर सप्लाई ज़रूरी होती, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के बिना तो आग नहीं जल सकती। तो बेटर है कि हम एयर सप्लाई ही बंद कर दें। जब हम एयर सप्लाई बंद कर देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। सो अगर कभी भी आग लग जाती है, ज़मीन पे आग लग रही है या किसी लकड़ी पे आग लग जाती है, तो बेस्ट मेथड है कि आप उस पर मिट्टी डाल दें या फिर रेत हो अगर आसपास में तो रेत डाल दें, क्योंकि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं आसपास। मिट्टी कहीं दिख रही है तो उस पर मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी से उस चीज़ को कवर कर दीजिए, या फिर रेत दिख रही है तो रेत से उसे कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा, सब्सटेंस पूरा कवर हो जाएगा, एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। पोरिंग वाटर ओवर द फायर कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑल्सो कट्स ऑफ इट्स एयर सप्लाई। तो आग लगती है, हम उस पर पानी डाल देते हैं, है ना, और आग बुझ जाती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी चीज़ में आग लग रही है तो उसका टेम्परेचर रेज़ होता जाता है। जब हम उस पर पानी डाल देते हैं तो उस चीज़ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आग बुझ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट ऑफ सच फायर्स। अब अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है कहीं पे भी, है ना, तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी, है ना, तो ऐसी आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी में बिजली और तेज़ दौड़ती है ना, तो उससे हमें करंट लग सकता है। सो ऐसी आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो आप उस पर मिट्टी डालें, सेंट डाल दें, या फिर एक स्पेशल डिवाइस आता है आग बुझाने के लिए जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, और इस फायर एक्सटिंग्विशर में कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि आग बुझाने के काम में ली जा सकती है। सो अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाने के लिए, मतलब बुझाना। सो इट कट्स ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि एक स्पेशल डिवाइस है और इसमें कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जैसा कि ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के काम में लिया जाता है। और जब हम आग पे कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर अ फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टचेस इट। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो हमें उस आग पे पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा और फिर जो भी पर्सन उसके करीब जाएगा या उसके कांटेक्ट में आएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट इज़ नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल। दीज आर लाइटर देन वाटर
and float over water and will continue burning. So, कभी भी अगर हमने देखा हो तो तेल की जो droplets होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल जो है वो पानी से lighter weight का होता है, तो वो ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे हो जाता है. तो अगर हम कभी भी केरोसिन या फिर पेट्रोल की वजह से आग लग रही है उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो तेल जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. इससे क्या होगा, आग और ज़्यादा फैलेगी. इसलिए अगर पेट्रोल और केरोसिन या फिर तेल की वजह से आग लग जाती है ज़मीन पे, तो हमें उस पर मिट्टी डालनी चाहिए, रेत डालनी चाहिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे. इन केस द फायर इज सीवियर, कॉल फॉर हेल्प, डायल 101 एंड कॉल द फायर ब्रिगेड. सो अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए. सो व्हाट इज़ द नंबर फॉर फायर ब्रिगेड, दैट इज़ 101. नेक्स्ट इज इफ़ क्लोथ्स कैच फायर, रोल ऑन द ग्राउंड. This cuts off the air supply to the fire and put it out. If a blanket or a rug is available, rolling up in it is most effective. तो best option है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और किसी person के आग लग जाती है, किसी person के कपड़ों में आग पकड़ लेती है, तो better है आप उसे ground में roll करें. कहीं कोई घास हो अगर उसके आसपास, तो वहाँ पे उसमें roll कर दें, या फिर ऐसे ही अगर आप ground पे roll कर देंगे तो उसके कपड़ों से आग बुझ जाएगी. या फिर अगर आपको आसपास ब्लैंकेट दिख रहा है तो उसको ब्लैंकेट से कवर कर दें. ब्लैंकेट से कवर करने से क्या होगा कि एयर सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और वो आग अपने आप बुझ जाएगी. सो इट विल बी मोर इफेक्टिव. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर टुडे. टुमारो वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.